चांद नगर की शहजादी, मैं किस धरती का बंजारा। तू चांद नगर की शहजादी, मैं किस धरती का बंजारा। तू महलों में रहने वाली, मैं गलियों गलियों आवारा। तू चांद नगर की शहजादी, मैं इस धरती का बंजारा। तू महलों में रहने वाली, मैं गलियों गलियों आवारा। तो नहीं होगी मुझे? नहीं कोई खास नहीं। अरे अंकल मैं आपको एक बहुत मजेदार आदमी से मिलवाती हूँ। कौन? अरे कहाँ गया? वो रहा, आइए ना। रवि, ये मेरे अंकल हैं। अंकल ये रवि। रवि? हाँ रवि। हेलो सर। हेलो। तुम्हारा नाम रवि है? जी। अंकल ये हांगकांग के रहने वाले हैं। रवि, ये नाम सुना तो मुझे कोई और याद आ गया। मैं भी एक रवि को जानता था। जी हाँ सर, ये बात मैंने भी नोट की है कि दुनिया में रवि नाम के इंसान कुछ ज्यादा ही है। अब तो हाल ये है कि अगर आप बाजार में पत्थर उछाल दीजिए तो ज्यादातर चांस ये है कि किसी रवि के सर पर ही गिरेगा पत्थर। अगर ये सवाल है। अंकल ये आदमी कौन था? ये वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे पिता का खून किया था बेटी। लेकिन आपने इन लोगों का क्या बिगाड़ा है? ये लोग जानते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूं इनकी जिंदगी खतरे में है। तुम कह रहे हो कि उस लड़के ने तुम्हें देख लिया था इसलिए उसने मोहन कुमार को वहां से हटा दिया? हाँ जेके साहब, कल को वही लड़का बलवंत को पहचान सकता है, इसके खिलाफ गवाही दे सकता है। यानी कि समझ रहे ना आप क्या कह रहा हूँ मैं? तुम्हें तो बाल की खाल निकालने की आदत पड़ गई है भंडारी। अरे जब कुछ होगा तब देख लेंगे, अभी यहाँ कहाँ उस लड़के का रोना लेकर बैठ गए। जेके साहब, वो रवि आया है। भेज दो। जेके साहब आपने बुलाया था लेकिन मैं। क्या बात है बलवंत? जेके साहब यही है वो लड़का। यही है वो। क्या कह रहे हो तुम? लो बाल की खाल अभी की अभी निकल आई, समझ रहे ना आप क्या कह रहा हूं मैं? रवि,
इन्हें पहचानते हो? हाँ, अभी एक आध घंटे पहले देखा था इन्हें। मोहन कुमार को कैसे जानते हो? कौन मोहन कुमार? मनुमत, वही जिसकी तुमने जान बचाई थी। अच्छा, वो मैं उसे नहीं जानता। मैं तो वहाँ किसी लड़की के पर्स के पीछे गया था। वहाँ उस लड़की ने कहा कि ये मेरे अंकल है। मैंने कहा होंगे। अचानक मेरी नजर इन पर गई। पहली चीज घबराहट में समझ में आया कि उस आदमी की जान खतरे में, उसे बचा लो। उसके बाद अंकल और भतीजी दोनों गायब, बस और कुछ नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो। इसलिए कि सच ये है कि तुम मोहन कुमार के आदमी हो और यहाँ उसी की जासूसी के लिए आते हो। हाँ, अरे नहीं भंडारी, ये लड़का सच कह रहा है। मैं जब भी किसी को काम देता हूँ तो उसके बारे में सब कुछ पता लगा लेता हूँ। ये लड़का बांद्रा के जुए खानों में पत्ते लगाता है या सड़कों पर छोटे मोटे फ्रॉड करता है और कुछ नहीं। खैर, जो होना था सो हो गया। रवि, आज तुम्हारी वजह से हमारा जानी दुश्मन बच गया। मैं सारी बात समझ गया हूँ जी साहब। एक बड़ा जोरदार आइडिया दिमाग में आया, कहीं तो कहूँ। मैं आपके घर वो जो भी है मोहन कुमार, उसका जासूस बनकर नहीं आया, लेकिन मैं मोहन कुमार के घर में आपका जासूस बनकर जा सकता हूँ। वो कैसे? मैंने उसकी जान बचाई है, वो मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करेगा? एक बार अगर मैं वहां फिट हो गया तो दुश्मन की हर चाल मैं आपको पहले बता सकता हूँ। आपको उसे मारना है ना, आप जहां कहेंगे मैं उसे ले आऊंगा। यानी कि आप समझ रहे ना जो मैं कह रहा हूँ? खैर, बुरा नहीं है जी के साथ। मैंने तुमसे पहले ही कहा था भंडारी, लड़का तेज है। लेकिन काम खतरे का है जी के साहब, इसीलिए कुछ पैसा तो ज्यादा होना चाहिए। जितना मांगोगे उससे ज्यादा ही मिलेगा। लेकिन हमें मोहन कुमार चाहिए। बेफिक्र हो जाइए, थाली में सजाकर पेश कर दूंगा।